हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये खूबसूरत सा DIY जो कि है एक बर्ड नेस्ट, और बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है और बिल्कुल घर में पड़े हुए वेस्ट सामान से बनाया है। ये जो बर्ड नेस्ट है ये बहुत ही सुंदर लगेगा जब हमारे गार्डन इसको हम ऐड करेंगे तो गार्डन की खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाती है। इस तरह के जो एक्सेसरीज होते हैं उसे हम अपने गार्डन को डेकोरेट करते हैं। तो ये जो बर्ड नेस्ट है इसे इस तरह के बर्ड नेस्ट को अगर हम परचेस करने जाएं तो काफ़ी महंगा पड़ता है, कॉस्टिंग इसकी अच्छी खासी होती है। लेकिन अगर हम इसे अपने घर में अपने हाथों से बनाएं, अपने DIY करें तो विदाउट एनी कॉस्ट, या यूँ कहें तो बहुत ही कम खर्च में हम इस तरह के ये खूबसूरत से नेस्ट बना सकते हैं और अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल वेस्ट सामान से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए इसे मैंने किस तरह से बनाया है वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते किस तरह से मैंने एकदम सिंपल वे में ये बर्ड नेस्ट तैयार किया है। तो इस बर्ड नेस्ट को बनाने के लिए हमें चाहिएगा कुछ इस तरह के बॉल जो कि हमारे घर में बच्चों के पास अक्सर मिल जाते हैं, और अगर आपके पास इस तरह के बॉल नहीं है तो आप सिंपल वे में प्लास्टिक का बॉल ले सकते हैं। प्लास्टिक का बॉल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो वजन में हल्का होता है और हमें नेस्ट को अपने प्लांट में हैंग करना है इसीलिए हम उसे हैवी नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक का बॉल भी आप ले सकते हैं। आप अगर प्लास्टिक का बॉल लेते हैं तो नेस्ट का होल बनाने के लिए आपको यहाँ छोटा सा कट करना पड़ेगा, और मैंने ये जैम का बॉल लिया है जिस वजह से मुझे यहाँ पे कोई कट नहीं करना पड़ेगा। मैं इसे बस इस ढक्कन को इसमें से हटा दूंगी और सिर्फ इससे मैं बर्ड नेस्ट बनाऊंगी। और साथ में मुझे चाहिएगा इस तरह की कुछ जूट की रस्सियाँ। आप चाहें तो कोको कॉयर से भी आप ये नेस्ट बना सकते हैं, और अगर आप कलरफुल नेस्ट बनाना चाहते हैं तो किसी भी तरह के कलर की डोरी से भी आप ये नेस्ट बना सकते हैं। लेकिन नेस्ट का रियल लुक जो होता है वो इसी तरह की जूट से या कोको कॉयर से बनने के बाद ही अच्छा इसका लुक आता है। तो मैं जूट की रस्सी से बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल ईजी मैथड में आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से एक बर्ड नेस्ट हम ईजीली घर में बना सकते हैं। तो इस बॉल में हम कुछ इस तरह का ये नीचे का पोर्शन और ये ऊपर का पोर्शन बनाने के लिए ले लेते हैं फॉयल पेपर, और फॉयल पेपर की मदद से हम इसके ये दोनों साइड में इसके नोक बनाएंगे जिससे कि बर्ड नेस्ट का लुक आ जाए। By the sounds I'm breathing in, hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. कुछ इस तरह से हम इसे जूट की रस्सी की मदद से पूरी तरह से कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद इस एरिया में जो हमारे इस बॉल का जो होल है इसे अब हम यहाँ से कट कर देंगे। देखिए
फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद जो यहाँ पे जितनी भी ये जूट की डोरी है सबको हम अंदर की तरफ चिपका देंगे। तो कुछ इस तरह से हम चिपका लेंगे अंदर की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये नेस्ट बनके तैयार हो गया। इसके जो यहाँ से मैंने कट किया था सब मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया और लुक को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए एक सर्कल जैसा जूट की जो रस्सी है उसे मैंने कवर कर दिया, जिससे ये काफ़ी खूबसूरत दिखने लग गया। अब इसको देना है हमें मजबूती, क्योंकि इस तरह से अगर हम यूज़ करेंगे तो थोड़े समय के बाद हमारी ये जूट की रस्सी खुल के बिखेर सकती है। तो इसे मजबूती देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल ग्लू का और इस पे एक कंप्लीट लेयर देंगे, जिससे कि इसकी मजबूती थोड़ी बढ़ जाए, थोड़ा ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। इस तरह से कंप्लीट इसमें वाइट ग्लू का लेयर चढ़ाना है। वाइट ग्लू का लेयर जो होता है सूखने के बाद एक तो इसमें मजबूती आएगी और दूसरा ये सूखते ही इनविजिबल हो जाता है, इस तरह से वाइट इसमें नज़र नहीं आता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इसमें ये ग्लू का पेस्ट लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ मैंने इसे कंप्लीट ग्लू से कवर कर दिया है और कवर करने के बाद इसे अब हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब एकदम से स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाएगा और ये जो वाइट आपको दिख रहा है ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और जूट की जो रस्सी हमने इसमें लपेटी है वही उभर के आ जाएगा। तो अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बर्ड नेस्ट हमने जो जूट की डोरी से बनाया है उससे देखिए कितनी खूबसूरत से एक नेस्ट बन के तैयार हो गया। और मैंने जो आपके साथ शेयर किया कि इसे हमें मजबूत बनाने के लिए इसे ग्लू से कवर करना है, तो आप देख पा रहे होंगे सारे ग्लू लगभग सूख गए हैं और सूखने के बाद इसमें से इनविजिबल हो चुके हैं और ये काफ़ी हार्ड हो गया है। अब बहुत मजबूत हो गया है ये। अब इसे अगर हम गार्डन में हैंग करेंगे तो बारिश की वजह से या धूप की वजह से हमारा ये ख़राब नहीं होगा। तो मजबूती लाने के लिए हमें ये प्रोसेस ज़रूर अपनाना है कि इसे अच्छे से वाइट ग्लू से कवर अप करना है, जिससे कि इसकी मजबूती बहुत अच्छी हो जाए। और इसके बाद अब इसमें हम इस तरह की जो छोटी छोटी बर्ड होती हैं इसे इसमें लगाएं, जिससे कि ये प्रॉपर बर्ड दिखे। आप चाहें तो इसके अंदर भी बर्ड बैठा सकते हैं या फिर छोटे छोटे अंडे जैसे बना के वाइट कलर स्टोन के करके आप वो भी रख सकते हैं। तो मैं सिंपल वे में यूज़ करना चाह रही थी, इसीलिए मैं सिर्फ बाहर एक बर्ड लगाऊंगी इस तरह से कुछ। तो एक या दो आप चाहें जैसे इसे में लगा सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सुंदर मेरे पास दो बर्ड नेस्ट बन के तैयार हो गया है। और इसे अगर आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं और चाहें तो इसमें ब्राउन कलर कर सकते हैं थोड़े नेचुरल सी फीलिंग्स लाने के लिए। तो मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ। तो चलिए अब मेरे गार्डन में इसे हैंग करके दिखाते हैं कि ये किस तरह से लगता है मेरे गार्डन में लगने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरती बिखेर रहा है हमारे प्लांट में ये नेस्ट लगने के बाद। तो जो थोड़ी मोटी मोटी सी स्टेम हो हमारे प्लांट में, उस तरह के स्टेम में अगर हम इसे इस तरह से हैंग कर दें तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मेरे ये चंपा का प्लांट है और काफ़ी सुंदर लग रहा है इसमें लगने के बाद। तो इस तरह से आप अपने गार्डन के लिए एक्सेसरीज खुद DIY कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही इजीली ये DIY हम बना सकते हैं अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये DIY ये बर्ड नेस्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आप अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।